अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। 9 जुलाई फिरोजाबाद एबीवीपी ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। मुख्य अतिथि पहुंचे चेयरमैन। फिरोजाबाद के सिरसागंज नगर में ग्रीन पार्क गिरधारी इंटर कॉलेज पर शुक्रवार सुबह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर सिरसागंज नगर इकाई के द्वारा विद्यार्थी परिषद की 73 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। वही कार्यक्रम का शुभारंभ सिरसागंज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सोनी शिवहरे और RSS जिला प्रचारक धर्मेंद्र ने किया। साथ ही ABVP के कार्यकर्ताओं ने पार्क को सुसज्जित कर स्थापना दिवस का रूप दिया। विद्यार्थी परिषद सिरसागंज नगर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन मिश्र ने पोस्टरों के माध्यम से परिषद के उद्देश्यों को उपस्थित सभी जनों समझाया। विभाग संगठन मंत्री दिव्य भारद्वाज ने लॉकडाउन के दौरान परिषद द्वारा किए गए सेवा कार्यों को बताया। वही कार्यक्रम में दुष्यंत, दिलीप, सत्यम, अरबाज, इमरान, विशेष, जैन ने महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को बैनर के माध्यम से दिखाया। उदय, चंद्रकांत, हर्ष, प्रदीप, गगनदीप ने परिषद के द्वारा आयोजित राष्ट्र गौरव परीक्षा के विषय में बताया। वही कार्यक्रम के समापन पर जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश पांडेय ने सभी छात्रों को संबोधित किया और जिला सह संयोजक हरिओम शुक्ला ने जय घोष कराया। ABVP नगर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन मिश्र ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम में उपस्थित के लिए उनका आभार जताया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। आज ग्रीन बेल्ट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम और विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद की कार्य नीति और उनकी रीति की जानकारियाँ देने का काम किया गया है। क्योंकि आज विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस 73वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री दिव्य जी और यहाँ के मुख्य नितिन जी और उनकी टीम के द्वारा बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। आज के दिन विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। आज विद्यार्थी परिषद को 73 वर्ष पूरे हो गए। तो आज हम सिरसागंज नगर में विद्यार्थी परिषद के जो उद्देश्य हैं, विद्यार्थी परिषद के जो कार्य हैं राष्ट्र हित में, छात्र हित में, उनको हमने एक प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ उपस्थित सभी छात्रों ने प्रदर्शनी के माध्यम से चेयरमैन साहब को और यहाँ जो भी आगंतुक आए हैं उन सभी को ये बताने का प्रयास किया कि ये विद्यार्थी परिषद पूरे राष्ट्र में छात्र हित में किस तरह से कार्य कर रही है। और इसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम और वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद का अभी हाल ही में प्रवेश हुआ। अनौपचारिक रूप से हम लोग बहुत समय से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से सिरसागंज नगर में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है। और अब छात्रों से संपर्क करके अभी हमने छात्र संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें हमने यहाँ के 500 छात्रों से संपर्क किया और उनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको नोट किया है। सिरसागंज की कुछ प्रमुख समस्याओं पर हमारी नज़र है, इस तरह से डिग्री कॉलेज, पुस्तकालय, स्टेडियम, इन सभी समस्याओं को नोट किया गया है और जल्द ही इन समस्याओं के लिए विद्यार्थी परिषद यहाँ पर DM महोदय को ज्ञापन देगी और अगर जरूरत लगेगी तो आंदोलन भी किया जाएगा।